उसमें हमेशा गलत चीज दिखाते ना कि ये आतंकवादी। सुशांत सिंह राजपूत मरता है उसको बार बार दिखाएंगे ये मर गया वो मर गया, क्या क्यों नहीं दिखाते। क्या लेके जा रहे जिनका कोई नहीं ना उनके पास रखेगा कि इनको सेवा होगा। मानवता का मृत्यु हो रहा है अभी तो समझो वो खुदा क्लास ले रहा है। अब तो जाको क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई क्या सिख। यहाँ पे कभी ये नहीं देखा जाता कौन से रिलीजन के हो कौन से क्लास के हो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। आप आइए अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लाइए आधार कार्ड लाइए और सिलेंडर लेके जाइए। इनको प्यास नहीं लगता है रोजे में सेवा करते रोजे में रमजान के महीने में रमजान के महीने में सेवा करते सोचो धूप तक अंदर नहीं ले सकते। 3,000 करोड़ का पुतला बनाने को तेरे को किसी ने नहीं बोलता वो पुतला ऑक्सीजन भी नहीं देगा। कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप हिंदू है तो आपको बाद में मिलेगा। जो एक यहाँ पे क्यू के लिए बनाया गया है क्यू के हिसाब से आपको सब मिलेगा। अब ये न्यूज में डालो एडिट करके AK-47 लेके जा रहे मिसाइल बॉम्ब कुछ डाल रहे हैं लोग। ये जिनको पबजी खेलने का ये उम्र में शौक होता है ना वो सेवा किसका कर रहा है ह्यूमैनिटी का। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु। 8 मई मानस की जात सब एक है पहचान ह्यूमैनिटी का कोई धर्म नहीं। आज जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो इंडियन फ्लैग जो टॉप पे उस पे केसरी भी सजा है उस पे एक हरा जो शान एक नूर जो यहां पर एक ऐसे खुदा का घर वाहिगुरु जहां पर किसका सेवा हो रहा है ऐसा स्पेशल सेवा जो आज हर हॉस्पिटल में ये रब के बंदे ना डिपॉजिट ना कुछ ऑक्सीजन दा लंगर ये सब कुछ वो कराते। अब इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है सेक्युलरिटी का डेफिनेशन में बताने जा रहा हूं। एक जो न्यूज में हमेशा गलत चीज दिखाते ना कि ये आतंकवादी एक अटैक हुआ था अजमल कसाब ने अटैक किया था वो एक सच्चा मुसलमान नहीं है। सच्चा मुसलमान देखो मेरे पीछे उधर ये देखो ये जो सेवा है ना ये कहां लेके जा रहे देखो कहां लेके जा रहे जिनका कोई नहीं ना उनके पास रखेगा कि इनको सेवा होएगा। ये होता है ड्यूटी जो वो अल्लाह कराते जो रब कराता है सब कुछ उधर इक्वालिटी है तो यहाँ पर एक होकर क्यों नहीं सेवा कर रहे मानवता का। ये रियलिटी इनको क्यों नहीं बताते कि ये लोग ये सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा न्यूज चैनल आया ये दिखाने को एक सुशांत सिंह राजपूत मरता है उसको बार बार दिखाएंगे ये मर गया वो मर गया ये क्यों नहीं दिखाते कि ऑक्सीजन के कारण लोग तड़प के मर रहे हैं। 3 मिनट नहीं है ना ऑक्सीजन लोग मर गए कब्रिस्तान में लाइन लगाए शमशान भूमि में 5 बॉडी के ऊपर एक वहां पर भी लकड़ा जो चाहिए ना उसको भी लोग काट रहे। मानवता का मृत्यु हो रहा है अभी तो समझो वो खुदा क्लास ले रहा है। अब तो जागो क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई क्या सिख सब एक है। एक मानवता का सेवा देखो कैसे कर रहे इनका जस्ट मास्क पे देखो क्या लिखा है फूल गली मस्जिद फूलों के तरह सेवा देखो मस्जिद के गलियों में ऐसे जो लड़के कर रहे ना ये टीम वर्क देखो ये जाएगा अभी वहां पर जहां पर शायद कोई गाड़ी पहुंचेगा। 3,000 करोड़ का पुतला बनाने को तेरे को किसी ने नहीं बोला था
वो पुतला ऑक्सीजन भी नहीं देगा। शी, वो पुतला खुद बोलेगा क्या गंदे नीच लोग है, मेरे को खड़ा कर दिया यहाँ पर। 3,000 करोड़ में क्या नहीं होता, आज एक बेड अवेलेबल नहीं है, लोग मर रहे। तो देखो ना जिस जगह पे वो पाक स्थान जहाँ पर अल्लाह का ऐसा ब्लेसिंग है, वहां पर सेवा देखो किसकी हो रही है। हाँ, अभी ये न्यूज में डालो एडिट करके, AK-47 लेके जा रहे, मिसाइल बॉम्ब कुछ डाल रहे हैं लोग। इतना गंदा सोच, गंदी नियत, अब तो शर्म करो। सेवा देखो कैसे कर रहे, साफ सफाई देखो। अब इनका एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लगभग 1,000 के ऊपर सिलेंडर ये जगह से लोगों का जान बचा है। धुआं है ना, जब इनका धुआं है, जब उस अकाल पुरख का धुआं है ना, कोई नहीं रोक सकता मानवता का सेवा के लिए। ये जाएगा अभी अब इस चीज के बारे में मेरा एक छोटा वीर नदीम और एक सीनियरिटी यहाँ पर, जैसे हर गुरुद्वारे का प्रधान होता है, ये भी यही गुरुद्वारे का है, अब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वाहेगुरु, बोलो 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 कुछ कि कैसे एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मुंबई में सिचुएशन का क्या है। बहुत दिन भाई बताइए। हम लोग लास्ट ईयर से ये 2020 हम लोग कोविड का ही कर रहे हैं। हमारे एरिया में काफी डेथ वगैरह हो गई। ओके, हम लोगों ने क्या सोचा कि ये काम किया जाए, तो हम लोगों ने ये शुरू किया था। मतलब इतना लोग नीडी हो गए, उम्मीद उम्मीद लोग कहाँ पर करेंगे, उम्मीद जहाँ पर उनका हाथ हो, उनका हाथ कहाँ पर है, यहाँ पर सेवा किसका हो रहा है, इंसानियत का। जिसको सांस लेने में तकलीफ है उसको ऑक्सीजन का ये स्पेशल सेवा। ये जिसको ऑक्सीजन का शॉर्टेज है उसको ऑक्सीजन, और जिसके घर पे खाना नहीं है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, जिसके पास कोई नहीं जा रहा है, उसका भी सेवा यही से जा रहा है। वो सिस्टम देखो उधर पूरा, वहां पर भी एक सीनियर पर्सनैलिटी बैठा है जो लिखता है, जो सब कुछ करता है। ऐसे लिखा पड़ी हो रहा है, जबरदस्ती किसी को भी नहीं बोलता है। सेवा जिसको जो करना है, ये उनका गोलक है, जो भी आएगा वो गरीबों के लिए जाएगा। ऐसे सेवा देखो जो नीडी है। इधर भी कितना प्यारा मैसेज है, देखो झाड़ पौधे, पौधों को संभालो, ऐसे एक मैसेज है। अब कुछ बोलेंगे भी ये मस्जिद के बारे में, ये सेवा के बारे में, मानवता की सेवा के बारे में। वाहेगुरु, ये लास्ट मई से हम लोग कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन सिलेंडर ही था, ये किसी ने बताया नहीं था स्टार्ट में। ये हमारे यहाँ से हमारे हुजूर ने हमारे यहाँ से स्टार्ट करवाया था, और ये लास्ट मई से स्टार्ट है। ये अभी हमने ऑलमोस्ट 1200 सिलेंडर्स तक कर दिए हैं, रिफिल किए, यानी कि यहाँ पे जो भी सिलेंडर्स मिलते हैं ये जीरो डिपॉजिट और जीरो रिफिल कॉस्ट में मिलते हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि मतलब एक एग्जांपल के मुंबई में कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं था वो टाइम पे, कि सिर्फ बॉम्बे के ही लोग आए, कि मुंबई टीम के लोग आए। हमारे पास लोग मीरा रोड से आए हैं, हमारे यहाँ पे लोग वसई से आए हैं, विरार से आए हैं, बहुत सारे थाना से भी लोग आए हैं। तो शुरुआती दौर पे हमने जितना हो सके उतना किया। अब इसमें एक चीज हमें खाली एक दिक्कत आती थी कभी, कि कोई एक सिलेंडर लेके गया और उसने उसको 4 दिन तक रखा, तो हम किसी और को दे नहीं पाए। तो हमने फिर हमारे पूरा जो हमारा पूरा यूनिट है, हमारे जो हुजूर हैं हुजूर आसमी मियाँ और उनके भाई सभी ने फिर उसमें और लोग लगा दिए, और हम खुद जा रहे हैं अभी लोगों के पास और हमारे सिलेंडर्स को वापस लेके आ रहे हैं। तो ये एक दिक्कत रही, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि जो भी आया यहाँ पे वो हमेशा वो लेके गया सिलेंडर। इसके अलावा यहाँ पे कभी ये नहीं देखा जाता आप कौन से रिलीजन के हो, कौन से कास्ट के हो,
कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो, आप आइए अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लाइए, आधार कार्ड लाइए और सिलेंडर लेके जाइए। यहाँ पे हमारा एक ही मोटो है, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, सिर्फ आप पहले मुसलमान बनो, सॉरी पहले आप इंसान बनो, ये हमारा मोटो है। यहाँ पे हम लोग कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि आप हिंदू है तो आपको बाद में मिलेगा। जो एक यहाँ पे क्यू के लिए बनाया गया है, क्यू के हिसाब से आपको सब मिलेगा। ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, पहले आप इंसान बनो। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जब एक वीडियो बनाता हूँ तो एक लीटर पानी खत्म करने वाला विक्की थॉमस, इनको प्यास नहीं लगता है, रोजे में सेवा करते, रोजे में रमजान के महीने में, रमजान के महीने में सेवा करते। सोचो थूक तक अंदर नहीं ले सकते, लेकिन ये अल्लाह के बंदे देखो किसकी सेवा कर रहे, मानवता का। फर्क नहीं पड़ता कौन से जात का है, ऑक्सीजन हर किसी को लगता है, किसी के लिए अलग ऑक्सीजन नहीं है। तो वो चीज जरा ध्यान से देखना, ऊपर बारकोड लगा है स्कैनर, एमरजेंसी ऑक्सीजन टू फ्री, नो डिपॉजिट नो चार्ज, एब्सोल्युटली फ्री। इतना प्यारा सेवा, वो भी अल्लाह का। शायद कोई प्रेस वाला इधर आए, नहीं तो कंगना ने क्या ट्वीट किया, कौन सा कुत्ता मर गया, किसका हीरो का कुत्ता मर गया, ये सभी जिंदगी में दिखाते रहो। कुत्ते का दिल और कुत्ते का लंग नहीं चलता इंसानों को, इंसानों को ही ऑर्गन चाहिए। अब तो जागो, वाहेगुरु सब कुछ वो ही देखता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। जिसके पास साधन नहीं है ना, गाड़ी नहीं है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जो नीडी है तकलीफ में, तो ये फौज ना अल्लाह के बंदे, वो अपने गाड़ी में अपने टीम के साथ, गाड़ी से बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है। फर्क नहीं पड़ता, जोश देखो किस किधर कौन से लेवल का जोश है। ये जिनको पबजी खेलने का ये उम्र में शौक होता है ना, वो सेवा किसका कर रहा है, ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो आई